हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 7 मिनट ट्रिक। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज का जो सेशन है वो होने वाला है 7 मिनट ट्रिक्स पर, और मैं आपको शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ अल्फाबेट में जो पेयर बेस्ड क्वेश्चन होता है उसका। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुटा लीजिए। जो मेरा फ्री सेशन चलता है, ये आप लोगों को पता होगा कि वाईफाई स्टडी SSC एग्जाम पर सुबह 10 बजे और वाईफाई स्टडी पर 1:30 बजे, अन अकेडमी पर ये जो है क्लास रेलवे कैटेगरी में दोपहर 2:15 और अन अकेडमी पर शाम 7 बजे। तो ये क्लासेस आप जरूर देखा करें। इसके अलावा ये हमारे क्विज की टाइमिंग है, जरूर लिया करें। क्विज लेने का ये प्रोसेस है, इस तरह से आप ले सकते हैं क्विज। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों के लिए अन अकेडमी पर ऑल SSC एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का नया बैच कल यानी 6 अक्टूबर से 11 से 12 शुरू हो रहा है। आप लोग अभी के अभी हितेश मंजिलो लगाकर ज्वाइन कर लें और माँ बाप का नाम रोशन करें। बहुत ही मिनिमम फीस में ये बैच आ रहा है और सारा सब्जेक्ट का बैच एक साथ स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सेप्ट, PYP और एक्सपेक्टेड सब मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं हितेश वंजीरो के साथ तो पूरे 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं हम लोग कि भैया 7 मिनट ट्रिक में जो आज हम लोग सीखने वाले हैं अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी पेयर बेस्ड क्वेश्चन, उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें होगा क्या, उसमें हम क्या करने वाले हैं और आपको यहाँ पर क्या सीखना है। जैसे यहाँ पर पेयर में बोला जाता है कि जो वर्णमाला आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं ए, फिर बीच में रख दिया हमने पी और सी, तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फाबेट में ए और सी, जैसे ए बी सी, तो अल्फाबेट में ए और सी के बीच में एक लेटर होता है, यहाँ पर भी एक ही लेटर है। ठीक, राइट टू लेफ्ट में देखेंगे सी डी ई, तो यहाँ पर टोटल पेयर कितने हो गए, एक हो गए। जैसे नो, नो का पूछा गया एन ओ, तो कुछ नहीं करना है, एन होता है ओ होता है, तो एन के जस्ट बाद अल्फाबेट में भी ओ ही होता है, तो एक पेयर बन गया। इधर से देखेंगे तो ओ के बाद पी तो नहीं होता, तो इसका मतलब मात्र एक पेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने पेयर राइट आंसर हो जाएंगे, एक पेयर। जैसे मान लीजिए आपको एन पी दे देता तो यहां पर कोई भी पेयर नहीं बनता, जीरो पेयर बनता। क्यों? क्योंकि एन के बाद ओ होता है फिर पी होता है, एन और पी के बीच एक लीटर का गैप है, यहां पर कोई गैप नहीं है, इसलिए पेयर नहीं बनेगा। राइट टू लेफ्ट में पी से इधर क्यू होना चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, अभी और समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपको बोला पिंग, PING, इसका बताओ, आपको बोला पिंग का बताओ, कैसे बताएंगे आप? PQRS नहीं है कोई, IJK नहीं है कोई, NO नहीं है कोई, ठीक है, GHI एक बन गया, NOP दो बन गया। बात समझ में आ रही है आपको? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए इसका आप पोजिशन लिखते हैं, ये 16 होता है, ये 9 होता है, ये 14 होता है, ये 7 होता है, तो 16 के बाद इधर जब हम जाएंगे तो 16 से बड़ा चाहिए, 16 17 18 19 कोई नहीं है, 9 10 11 नहीं है, 14 15 नहीं है। राइट टू लेफ्ट जब जाएंगे तो 7 8 9, 7 और 9 के बीच एक डिजिट का गैप है, यहाँ भी एक डिजिट का गैप है। 14 15 16 इसके बीच भी 15 का गैप है, मतलब एक डिजिट का गैप है, यहाँ पर भी एक नंबर का गैप है। तो कहने का मतलब दो पेयर होना चाहिए था, दो पेयर हो गया, तो आपका आंसर दो के साथ चला गया। और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आपको बोला पूरा, हम पिकल का स्पेलिंग नहीं लिखे हैं, हम काट दिए हैं इसको ताकि हम समझा पाए अच्छे से आपको जो हम चाहते हैं। जैसे PQRST IJKL, तो यहाँ देखो IJK, आई और के के बीच में एक लेटर होता है, जे खाली, यहाँ पर बीच में कौन सा लेटर है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बीच में लेटर देखना एक है कि नहीं, तो IJK हो गया। IJKL, I और L के बीच दो लेटर होता है, J और K, बीच में यहाँ पर CK है, उसे कोई मतलब नहीं है, आपको बस देखना है कि लेटर दो है तो सही, तो दो यहाँ पर हो गया। CDE कोई नहीं है, KL, K के जस्ट बाद L होता है अल्फाबेट में, तो यहाँ पर भी है, तो तीन पेयर तो इधर से ही मिल गए। अब राइट टू लेफ्ट भी गिनना है आपको, तो LMNOP, यहाँ से गौर करो, LMNOP, KLMN, CDE, IJ, तो टोटल पेयर कितने हो जा रहे हैं, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, तो टोटल पेयर चार हैं, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। अगर आप उसको मतलब ये बैठा के करोगे वैल्यू, तो ये 16 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 11 है और ये 12 है, 16 से बड़ा कोई है नहीं, 9 10 11 एक, 9 10 11 12 दूसरा पेयर, 3 4 5 11 12 ये तीसरा पेयर, क्योंकि आप देख रहे हो डिजिट के जस्ट बाद है, तो वो क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। 12 से अब मतलब इधर से इधर आओ, 12 13 14 15 16, तो एक तो आप यहां देख रहे हैं 12 से 16 के बीच तीन नंबर होता है, 13 14 15 यहां पर भी तीन नंबर है, तो कहने का मतलब एक पेयर बन जाएगा।
11 से नहीं बनेगा, 3 से नहीं, 9 से नहीं, तो टोटल पेयर आपके 4 बन गए, 4 आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? एक और देखिए, मान लीजिए आपको बोला चाय, CHAI, चाय, तो CDEF नहीं है कोई, HIJ नहीं है, AB नहीं है, राइट टू लेफ्ट, IJKL नहीं है, ABC एक पेयर बन रहा है, HI कोई नहीं, तो टोटल पेयर कितने बन गए, एक। इसको अगर डिजिट बैठा के देखोगे तो CDE मतलब ऐसे 3, 8, 1 और 9, तो 3, 4, 5, 6 कोई नहीं है, 8, 9, 10 नहीं है, 1, 2 नहीं है, राइट टू लेफ्ट में 9, 10, 11, 12 नहीं है, 1, 2, 3 नहीं है, सॉरी 1, 2, 3 ये वाला हो रहा है, तो टोटल पेयर एक बन रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एकदम क्लियर हो रहा होगा, कहीं पे कोई असुविधा नहीं हो रही होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है डियर। अच्छा ये है क्लिक, KLIK, KLICK, तो कैसे निकालिएगा, KL एक पेयर, KLMNO, LMNO, IJK, CD, अब राइट टू लेफ्ट में जब आते हैं आप तो KLMNO कोई नहीं है, CDEF नहीं, IJK ये हो जाएगा एक, LM ये हो जाएगा, तो टोटल जो पेयर बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, टोटल पेयर कितने बन जाएंगे, 3, 3 आपका पेयर बन जाएगा, कैसे, KLICK, यहाँ 11 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 11 है, एक ये पेयर बन गया 11 12, फिर ये बन गया 12 13 14 कोई नहीं है, 9 10 11 नहीं है, 3 4 नहीं है, राइट टू लेफ्ट में आते हैं, अच्छा 9 10 11 एक ये भी बनेगा, 11 12 13 14 15 नहीं है, 3 4 5 6 नहीं है, 9 10 11 एक ये भी बन रहा है, तो 3 पेयर टोटल बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है डियर। तो ये हमने आज आपको सिखलाया है, और तरीके से आप इसको देखिए, अपने घर में बनाइए, ठीक है। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, हितेश मंजिलू लगाकर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं आप। और नया बैच जो हमारा SSC का आ रहा है, जिसमें हम रीजनिंग में कॉन्सेप्ट PYP एक्सपेक्टेड सब कर रहे हैं, 6 अक्टूबर से 11 से 12 जरूर ज्वाइन करें हितेश मंजिलू के साथ 10% डिस्काउंट के साथ। आप कभी भी क्विज ज्वाइन करें तो ऐसे करें, ये हमारा टाइमिंग है। और अगर आप हमारा यहाँ पर यूट्यूब क्लास देखें तो ये दोनों होता है, अनअकैडमी पर ये दोनों फ्री सेशन होता है, जरूर देखें आप। कभी भी अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारा फायदा होता है, ये जितना आप देख रहे हैं रीजनिंग के साथ साथ ये सब कुछ मिलता है। जो बच्चे अभी तक हमें फॉलो नहीं किया अनअकैडमी पर, वो फॉलो जरूर कर लें, हितेश मिश्रा मेरा नाम है। और यहाँ पर अगर हम देखें जुड़ें कैसे, इंस्टॉल करें लर्निंग ऐप, SSC या रेलवे सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन SSC का जो 12 महीने का है 5400, 24 महीने का 6480 आफ्टर यूजिंग माई कोड, रेलवे का 6 महीने का 3600, 12 महीने का 4500 आफ्टर यूजिंग माई कोड HITESYT। और पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, भीम, UPI, EMI इज ऑल्सो अवेलेबल, ये सारा फायदा होगा, इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। सभी भाई बहनों को थैंक यू, बाय, टेक केयर।